खबर गाजीपुर जमानिया से है, जहां राघवपुरवा जगदीशपुर चक्रोड निर्माण के दौरान हुए विवाद को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को पत्रक सौंपा। बताया जा रहा है कि मंगलवार को NH-24 स्थित राघवपुरवा जगदीशपुर गांव को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा चक्रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे कुछ दबंगों द्वारा विवाद उत्पन्न कर निर्माण कार्य को रोक दिया गया। विवाद शुरू होने के बाद राजस्व टीम वहां से लौट गई, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता की ओर से कोतवाली में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 3 जनवरी को SDM के आदेश पर राजस्व टीम ने चक्रोड निर्माण के लिए सरकारी जमीन की पैमाइश कराए थे, जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग की ओर से चक्रोड निर्माण का कार्य शुरू कराया गया, लेकिन चक्रोड के दोनों तरफ के काश्तकार आपस में विवाद शुरू कर दिए, जहां सरकारी जमीन पर एक पक्ष द्वारा कब्जा जमा कर चक्रोड निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वहीं राघोपुर गांव के किसान उमाशंकर कुशवाहा ने ग्रामीणों के साथ तहसील पहुंचकर तहसीलदार को पत्रक सौंपा और जनहित में चक्रोड निर्माण कराए जाने की मांग की और कहा चक्रोड का निर्माण होने से 5 गांव में आवागमन आसान हो जाएगा। इस संबंध में SDM भारत भार्गव ने बताया कि राजस्व टीम से जमीन की पैमाइश कराई जा चुकी है, जो सरकारी जमीन है। पुलिस बल के साथ चक्रोड निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। गाजीपुर जमाना से आजाद शाह की रिपोर्ट। Yeah, he's gone.